गाइस, मेरा नाम है सैन्य, मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हब ऑल इन वन में। आज हम नई वीडियो में आपको बताएंगे जो रिले होती है ओवरलोड होती है या मोटर वर्क नहीं करती है तो उसको कैसे सेट किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसको बताऊंगा कि जो रिले की रेंज होती है, जैसे कि 6 से 10 एम्पियर होती है, 9 से 14 एम्पियर, 13 से 21, तो ये अलग अलग रेंज में सेट होती है। तो जैसे ये रिले अपने पास है, ये 22 एम्पियर तक की रिले है, 63 एम्पियर मैक्स जो है कि वो 63 एम्पियर तक की कैपेसिटी ये झेल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको 9 से 14 एचपी की अगर मोटर चलाना है, 9 से 14 की जो रिले होती है, 9 से 14 वाली अब में आप जो है ढाई एचपी से लेके 4 एचपी तक की मोटर को रन कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। इसमें आप 13 पे सेट कर दीजिए, 9 से 14 पे, 14 पे आप इसको जैसे सेट करेंगे इस बटन को, तो ये आपकी 3.5 से लेके 4 एचपी तक की मोटर को चला देगी, रन कर देगी। और आप अगर 13 से 21 के बीच में इसको सेट करते हैं, रेंज बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अगर 13 पे नहीं चल रही है तो आप 15-16 करके देख सकते हैं। उसके बाद में आप इसमें 13 से 21 में ये 3.5 से 6 एचपी की मोटर को चला सकते हैं। उसके बाद में हमारी आती है 20-32 की, तो 20-32 की जो रिले है, जैसे ही हम इसको 20 की और 32 के बीच में रेंज सेट करते हैं, ये 22 की है, 32 में आप सेट कर दें, बीच में कर दें जो भी रेंज है, उसके बाद में ये आपकी 5.5 से 9 एचपी तक की मोटर को चला सकती है। और अगर आप इसको जो 30-42 की होती है, जो रेंज हमने आपको बताई है 30-42 की, अगर उसमें आप अगर सेट कर देते हैं 30 से 42 के बीच में, इसको अगर आप इसी बटन से सेट होती है एम्पियर पे आप सेट कर लीजिए आसानी से, ये आपकी 8.5 से 12 एचपी की मोटर, और भी बड़ी बड़ी स्टार्टर की अगर रिलेस हम यूज़ करते हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।